Welcome to sjinceptions, your aquarium channel. Aage badhne se pehle, wish you all Merry Christmas. आज क्रिसमस के दिन पे मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मेरे डॉलर फिश के टैंक का, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला था कि आपके फिश टैंक रूम के फिश टैंक्स की वीडियोस बनाइए, फिश टैंक की अपडेट वीडियो बनाइए, बट इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट वीडियो बनाना बिकॉज काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं. बट और जब भी फिश टैंक रूम की अगर वीडियो बनाना सोचता हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है, सारे फिश टैंक्स को एक ही वीडियो में शामिल करना, आधे घंटे तक वीडियो चली जाती है. इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक एक फिश टैंक की छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, आपको दिखा दूँ, अपडेट दे दूँ. तो इस टैंक के बारे में आज मैं बात करूँगा, मेरे डॉलर फिश के टैंक जो मैंने आपको दिखाया था. इसकी डायमेंशन तो मैंने आपको बता दी थी, फिल्ट्रेशन के बारे में भी बता दिया था, फिर से एक बार हिंदी में बता देता हूँ. लास्ट टाइम इंग्लिश में बता दिया था, हिंदी में फिर से बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिंदी में भी बोला करो. तो ये जो टैंक है, इस टैंक की डायमेंशंस जो है वो है 3.5 फीट × 1.5 फीट × 1.5 फीट, दैट इज़ लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट. और इस टैंक के अंदर वाइट सैंड डाली है मैंने जो है 20 से 25 किलो की, और इसके अंदर है 3004 का RS इलेक्ट्रिकल का फिल्टर जो जिसके अंदर 3 स्पॉन्जेस है, और इसके अंदर है 22 डॉलर फिश जो मैंने आपको बताया थे, 3 शार्क्स हैं इसके अंदर, और मैंने एडिशन इसके अंदर की है अल्बाइनो टिनफॉइल बार्ब्स की और टाइगर बार्ब्स की, और भी बार्ब्स की वैरायटी में ऐड करने वाला हूँ आगे चल के. तो मैं अभी आपको लाइट ऑफ करके इसका पूरा लुक दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं मेरे फर्स्ट टाइम का कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता, कुछ सोच के नहीं बोलता, जो मेरे मन में आता है, जो मेरे दिल में आता है वो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, इसलिए वीडियो कभी कभी लंबी भी हो जाती है. तो सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी बात बतानी है डॉलर फिश के बारे में. काफ़ी फ़िश सेलर्स जो है मुझे बोलते थे कि हम डॉलर फिश रखते नहीं हैं बिकॉज डॉलर फिश हमको कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, और डॉलर फिश कुछ मतलब ब्यूटीफुल नहीं दिखती है एज़ कम्पेयर टू अदर फिश. बट मुझे ऐसा नहीं लगता. डॉलर फिश आपने मेरे फिश टैंक रूम में देखा, अभी भी आप देख रहे हो, डॉलर फिश के ऊपर सिल्वर कलर का एक टिंज होता है, और उसके बाद में आप नीचे की जो एनल फिन देख सकते हो वहाँ पे एक रेड कलर का हल्का सा पोर्शन आया हुआ है, आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत दिखती है. ये रखने के ऊपर होता है, सबकी अलग अलग सोच होती है, वो बात अलग है, बट रखने के ऊपर होता है. अगर आप कोई भी फिश को अच्छे से रखोगे, इवन शार्क्स भी होती है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये फ्रेश वाटर फिश होती है, खाने के लिए यूज़ करते हैं, बट वो पंगेशियस फिश होती है, दिस आर द इरिडेसेंट शार्क्स. सेम दिखती है, एक ही फैमिली की होती है, बट फिर भी शार्क्स भी जब बड़ी हो जाती है काफ़ी कमाल की दिखती है. आपको मैंने जो आप देख सकते हो पुराने वीडियोस में, ये चैनल शुरू करने से पहले मेरे पर्सनल, यही मेरा पर्सनल यूट्यूब अकाउंट था, इसमें मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करता था मेरे शार्क फिश टैंक के, उसमें आप देख सकते हो पुराने वीडियोस, आप चेकआउट कर सकते हो. शार्क भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं जब आप एक अच्छा उनको फिश टैंक प्रोवाइड करोगे, अच्छा स्पेस दोगे, उनका कलर जब निखरता है ब्लैक, डार्क ब्लैक हो जाता है और काफ़ी खूबसूरत दिखती है, और जैसी वो मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टली बढ़ती है इसलिए वो काफ़ी खूबसूरत दिखती है. तो वो वीडियोस आप देख सकते हो. फिर मैंने बाद में उन शार्क्स को मेरे चर्च के फिश पॉन्ड में, स्कूल के फिश पॉन्ड में दे दिया था, तो शार्क्स भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है. बैक टू द डॉलर्स, आप देख सकते हो डॉलर्स के पास जब डॉलर्स बड़ी हो जाती है ना, तब डॉलर्स के जो नीचे का पोर्शन होता है, हाथ के नीचे का पोर्शन, वो रेड हो जाता है. तो ये काफ़ी अलग सी मतलब फ़िश दिखती है, और इसकी जो मतलब बाकी फिशेस से जो मतलब इसकी ग्रोथ भी है, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ती है और वर्टिकली भी बढ़ती है, इसलिए इस फिश का नाम जो है वो डॉलर दिया हुआ है. और कलर जो है इसका सिल्वर है, सिल्वर कलर का टिंज आता है, और स्केल्स भी आप इसके क्लियर कट देख नहीं पाओगे. तो इसलिए मैं इन फिश सेलर्स का जो नज़रिया है वो बदलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, हर एक फिश जो है अपने वे में खूबसूरत होती है, हर एक फिश जो है अपने तरीके से खूबसूरत होती है, बस ये अपने हमारे ऊपर होता है कि हम उसे कैसे रखते हैं, कैसा उन्हें फीड देते हैं, और किस तरह से उन्हें हम जो है टैंक में सेटअप करके रखते हैं. अब मैं बात करूंगा टाइगर बार्ब्स के बारे में. तो टाइगर बार्ब्स जो है काफ़ी, जो अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया है इसके अंदर, एक डज़न रहेंगे इसके अंदर टाइगर बार्ब्स. मैं जूम करता हूँ, तो टाइगर बार्ब्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जब आप इनको टैंक में डज़न में या ऐड करते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में आप इन्हें ऐड करते हो, तो ये स्कूलिंग, एक स्कूलिंग फिश की तरह होती है. अब ये खैर टैंक के पीछे चली गई, जब वापस आ जाती है बाहर तब मैं आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक साथ ग्रुप में तैरने वाली फ़िश है, इसलिए ये कैसे, जो आप ओशन में भी देखते हो, देख सकोगे कि तो काफ़ी सारी फ़िश जो है ग्रुप में तैरती है, स्कूलिंग में तैरती है, इसलिए काफ़ी अच्छा लुक होता है. और इनके ऊपर जो स्ट्राइप्स का पैटर्न होता है, जो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, इसलिए इनको जो है दे आर सिमिलर टू टाइगर, दैट्स वाई इनको नाम जो है टाइगर बाप ऐसा पड़ा है. आप देख सकते हो उनकी स्कूलिंग पीछे, एक साथ तैरती है, साथ साथ रहती है,
आप जितने भी ऐड करोगे वो सारे तैरेंगे, ऐसा नहीं होता है कि एक आप देख सकते हो, मैं पूरे वहाँ तक आपको दिखा रहा हूँ, एक भी टाइगर बाब इधर उधर नहीं जाएगी, सब जो टाइगर बाब है साथ में, एक दो जा सकती है बट ये हमेशा साथ में तैरती है, इसलिए काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है हमें, मतलब आँखों को ऐसा लगता है, आई प्लीजिंग बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि देखते रहो इनको। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं सिल्वर शार्क्स, ये अभी छोटे हैं फिलहाल, बहुत छोटे लेके आया था, अब तो मीडियम साइज़ के हो गए ये। तो सिल्वर शार्क्स की आप देख सकते हो कि जो डॉर्सल फिन होती है, एनल फिन होती है और टेल फिन होती है, उसके बॉर्डर्स के ऊपर एक डार्क कलर, डार्क ब्लैक कलर होता है, और इसलिए ये फिश मुझे काफ़ी पसंद होती है, इसका लुक जो है वो काफ़ी मुझे पसंद है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं छोटे अल्बाइनो टिनफॉइल बाब्स। अल्बाइनो इनको इसलिए कहते हैं, एक नॉर्मल टिनफॉइल बाब आते हैं, इनको अल्बाइनो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी है वो अल्बाइनिज्म है, और इनकी जो आँख है वो रेड कलर की है, अभी फ़िलहाल आपको दिखेगी नहीं बट इनकी आँख जो है वो रेड होती है, तो ये डेफिनेशन होती है अल्बाइनिज्म की, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस टैंक में मैंने सोचा था कि कौन सी फ़िश ऐड करूँ, तो ये जो है कॉम्बिनेशन मुझे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर मैं बाब्स ऐड करूँगा, टाइगर बाब्स, अल्बाइनो टिनफॉइल बाब्स और टिनफॉइल बाब्स भी ऐड करने वाला हूँ, और सिल्वर शार्क्स, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने ऐड किया था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि इस टैंक की आप क्लीनिंग कब करते हो, कैसे करते हो, कितने टाइम करते हो। तो ये जो पूरा टैंक है, ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं है, 3.5 फीट, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बिगिनर्स के लिए बड़ा होगा बट जो कि रख रहे एक्वेरियम काफ़ी टाइम से उनके लिए बड़ा टैंक नहीं है ये। क्लीनिंग के टाइम भले ही परेशानी होती है, मैं अपने टैंक की खुद क्लीनिंग करता हूँ, इस टैंक की मैं सिर्फ एक महीने में एक बार ही क्लीन करता हूँ, बट वीकली मैं जो स्पॉन्जेस होते हैं उनको क्लीन करता हूँ। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको भी एक मंथ में आराम से आप क्लीन कर पाओगे टैंक को, इतना ये गंदा नहीं होता है अभी भी, इसको आराम से 2 हफ्ते हुए रहेंगे, मैंने आपको क्लीन करके ये वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, 1-2 हफ्ते पहले मैंने इसको क्लीन किया है, अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्लाउडीनेस दिखेगा, इतना भी क्लीन नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको मेरे फिश टैंक रूम में ये दिखाया था तब मैंने उसको रिसेंटली क्लीन किया था, अब मैंने इसको रिसेंटली क्लीन नहीं किया है, तो आप देख सकते हो मतलब एक महीने तक ये आराम से चल जाता है, बट आपको वीकली जो है इसकी जो स्पॉन्जेस है वो आपको साफ़ करने पड़ेंगे, सो दैट मतलब पूरे जो टैंक का लोड जो है वो फ़िल्टर पे ऊपर नहीं आ जाए, और फ़िल्टर भी आपको साइन देगा, उसकी जो ऑक्सीजन की पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो फ़िल्टर भी आपको इंडिकेशन देता है कि अब आपको उसे साफ़ करना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि सैंड जब आप रखते हो तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, उल्टा सैंड जो है सैंड से काफ़ी मदद होती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होती है, अभी तो फ़िलहाल आप देख नहीं पाओगे पर जो डस्ट पार्टिकल्स होती है वो सैंड जो है अब अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब नीचे बैठ जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी, मतलब कोई भी आप सैंड रखो, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि एक ही कोई ऐसी सैंड होती है, कोई भी अगर आप सैंड देखोगे तो आप अगर वो रखोगे घर में तो पानी के अंदर, तो जो भी डस्ट होती है वो सैंड जो है ऑब्जॉर्ब कर लेती है और जो सारी गंदगी है जो नीचे बैठ जाएगी, इसलिए एज़ कम्पेयर टू स्टोन्स मुझे सैंड काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि नज़ारा भी इससे काफ़ी अच्छा मिलता है और जो गंदगी होती है वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे खींच लेती है, बट ये आपको बाद में साइफनिंग के दौरान आपको निकाल देनी चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि क्या होता है आपको वो जो डर्ट होती है वो अंदर पकड़ के बैठ लेती है, पकड़ के बैठ जाती है अंदर, इसलिए आपको वो ज़रूरी होता है आपको वो क्लीन करना, अदरवाइज़ टैंक के अंदर जो पानी की जो क्लैरिटी है उसके अंदर फिर कमी हो सकती है, बिकॉज़ जब ये फिश डॉलर फिश जो होती है वो काफ़ी उछलने कूदने वाली फ़िश होती है, बिकॉज अभी तो ये डरेगी नहीं बट अगर आप कुछ भी थोड़ा सा इनको हाथ लगा वगैरह तो ये टैंक के बाहर छलांग लगाती है, मतलब ये बहुत जल्दी से डर जाती है, इसलिए आपका जो टैंक की जो गंदगी है जो नीचे बैठी हुई है फटाक से ऊपर आ सकती है, इसलिए आपको ये केयरफुली जब भी आप साइफनिंग करते हो, जब भी आपकी मेंटेनेंस होती है आपको वो सारी गंदगी जो है उसको निकालना है। मैं तो नॉर्मल पाइप से ही यूज़ करता हूँ, जो नॉर्मल ओल्ड स्कूल मेथड है वही फॉलो करता हूँ, मैं कुछ ग्रेवल क्लीनिंग वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप अगर आप वो यूज़ करोगे तो अच्छा है, अगर आपको नॉर्मल पाइप से आता है कैसे क्लीन करते हो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि मैं कैसे इस टैंक को क्लीन करता हूँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और अगेन फिश फूड के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो अभी करंटली मैंने इनको सिर्फ ऑप्टिमम पे रखा है, दूसरा और कोई फिश फूड नहीं खिला रहा हूँ मैं, जो ऑप्टिमम के जो नॉर्मल ऑप्टिमम होता है 3-in-1 भी नहीं खिला रहा हूँ मैं इनको, जो नॉर्मल ऑप्टिमम होता है वही खिला रहा हूँ सभी को, और दिन में मैं सिर्फ इनको 1 टाइम फीड करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार करने से, और ये मेरा मानना है कि 2 बार करने से फ़िश को जो है ओवर फीडिंग होती है और
फिश को मेरे ख्याल से एक ही बार फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि दो बार काफ़ी मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग दो बार फीड करते थे तो उनके फिश की जो बेलीज होती है वो थोड़ी सी पफ्ड अप हो जाती है, ऐसे मैंने सुना है। तो इसलिए ऑन केयरफुल साइड मैं सिर्फ दिन में एक ही बार इनको फीड करता हूँ। तो इस टैंक के अंदर, जैसे लास्ट का अगर आपने वीडियो देखा रहेगा फिश टैंक रूम का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस टैंक के अंदर दो बैचेस हैं। पहले बैच में मैंने आपको बड़े डॉलर्स दिखाए थे, दूसरे बैच में मीडियम साइज के डॉलर्स दिखाए थे। अब आप देख सकते हो डॉलर्स, आपको आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कौन सी बड़ी साइज़ की डॉलर वाली बैच है, कौन सी मीडियम साइज़ की डॉलर वाली बैच है, बिकॉज सबकी ऑलमोस्ट सेम साइज़ हो गई है। और डॉलर फिश काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, मतलब आराम से एक फुट तक तो हो जाते हैं, मतलब बट एक फुट इतने नहीं होते, मतलब 12-10 इंच तक मतलब करीब हो जाते हैं। बट मैंने खुद देखे हैं काफ़ी बड़े बड़े डॉलर्स जो मतलब क्लोज़ टू 1 फीट हो जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ फिश में, जी वर्ल्ड ऑफ फिश में मैंने आपको दिखाई भी थे, क्लोज़ टू 1 फीट डॉलर्स हो जाते हैं, बिकॉज इन ये ग्रोथ जो है इनकी पूरी सर्कुलर वे में होती है, इसलिए अगर आप पूरी तरह से इनकी जो लेंथ है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बट क्लोज़ टू 1 फीट कहा जाता है कि ये बढ़ती है। एंड शार्क्स के बारे में बात करूँ तो दीज आर इरिडेसेंस शार्क्स, अभी मेरे ख्याल से 7-8 इंचेस की रहेंगी, ये काफ़ी बड़ी होती है। यू कैन वॉच माई फिश पॉन्ड वीडियो जिसमें मैंने मेरे शार्क्स छोड़े थे, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी शार्क्स थी मेरे पास, मेरे फिश टैंक में आउटग्रो कर रही थी टैंक को, इसलिए मैंने उनको फिश पॉन्ड में छोड़ दिया। ये भी शार्क्स वहीं पर जाएंगी बड़ी होने के बाद, अगर बड़ी होती है तो वहीं पर मैं इनको छोड़ने वाला हूँ। सो दिस वॉज अ स्मॉल अपडेट वीडियो अबाउट माई डॉलर फिश टैंक, आई होप आपको पसंद आया रहेगा। एंड लेट मी नो कि आपको कौन से वीडियोज़ देखने इस टैंक के बारे में, कि आपको इसके मेंटेनेंस के बारे में वीडियो देखना है, क्लीनिंग कैसी होती है, या आपको फीडिंग इनको मैं कैसे करता हूँ, कितने बार करता हूँ, कैसे देता हूँ, उसके बारे में आपको वीडियो देखना है, या आपको कुछ और सजेशन चाहिए, कुछ और एडवाइस चाहिए, या आप कुछ और एडवाइस चाहते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी एडवाइस चाहिए, क्या जानना चाहते हो इस टैंक के बारे में, आपके टैंक के बारे में, आपके फिशेस के बारे में, आपके पास कोई सजेशन रहेगा मेरी इस टैंक के लिए, या कौन सी मैं फ़िश फ्यूचर में ऐड करूँ, या कोई और सजेशन आपके मन में रहेगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। और मुझे बताना ज़रूर मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। Oh,